आज हम आपको एक ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस बेबस माता पिता की दास्तां सुनकर रो पड़ेंगे। क्या थी मजबूरी जो 6 दिन के बच्चे को अस्पताल में छोड़कर माता पिता चले गए, और क्यों बन गए इतने बेरहम? अस्पताल के बेड पर 4 दिन के मासूम को छोड़कर आखिर माता पिता कहाँ चले गए और क्यों इतने बेरहम हो गए कि 3 दिनों तक अपनी बच्चे की कोई सुध नहीं ली? काशीपुर में एक ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। काशीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए 4 दिन के बच्चे को माता पिता लेकर आए थे। इलाज के बाद जब बच्चा ठीक हुआ तो माता पिता 3 दिनों तक बच्चे को छोड़कर अचानक गायब हो गए। अस्पताल प्रबंधन ने खूब खोज खबर की। आखिर 3 दिन की मशक्कत के बाद बच्चे के माता पिता को तलाश लिया गया। उनको अस्पताल लाया गया जहां पहले तो उनको खूब खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन जब बेबस माता पिता ने अपना दर्द बयां किया तो सभी की आंखों में आंसू भर आए। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजबूर और बेबस पिता ने बताया कि बच्चे के इलाज में अस्पताल का बिल 31,000 हो गया, जिसे चुकाने की उसकी कोई हैसियत नहीं थी। कर्ज के लिए कई चौखटों पर उसने हाथ फैलाया लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। पैसे न होने की वजह से माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और रोज कर्ज लेने के लिए दर दर भटकते रहे। लॉकडाउन की ऐसी विवशता, माता पिता पैसे न होने की वजह से अस्पताल का बिल नहीं दे पाए और लॉकडाउन की वजह से ही काम पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते लोगों के पास खाने की रोटी तक नहीं है। ऐसे में अस्पताल का 31,000 का बिल चुकाने में असमर्थ पिता बच्चे को अस्पताल में छोड़कर चला गया। था हमारे हॉस्पिटल में, बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था, 7 महीने की प्रेगनेंसी थी उसको, और 7 महीने का बच्चे का जो वज़न था वो 1.5 किलो था। कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर आसिफ, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और मतलब बच्चे को उस कंडीशन से निकाल के लाए जो जिसमें बच्चा बचना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद थर्ड डे, 2 दिन तक तो ये लोग आते रहे बच्चे के साथ वाले, थर्ड डे ये लोग नहीं आए बच्चे को देखने, कोई नहीं आया, ना कोई बच्चे का कोई रिलेटिव आया, ना बच्चे का कोई फादर आया, कोई नहीं आया इसको देखने के लिए। और अल्टीमेटली अब बच्चा ठीक है। अब हम लोगों ने फ़ोन करके फिर गांव के प्रधान जी को फ़ोन किया, 2-3 और लोगों को फ़ोन किया कि किसी तरह से ये मिल जाए, ये घर पे भी नहीं मिलता था जो लोग उनको ढूंढने जाते थे। फिर अब बच्चे का जो बिल टोटल बना वो 31,000 का बिल बना, और हम लोगों ने इससे केवल जो दवाइयों का मात्र जो खर्च हुआ है 4,000 रुपये के आसपास मात्र पे किया है इन लोगों ने। लेके गए थे वहाँ पर, बेटा पैदा हुआ हमारा भांजा, और फिर हम लोग गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं हम लोग, हमारे पल्ले में तो कुछ है नहीं, मकान उकान सब हमारा किराए का है। अब हमने बड़ी बामुश्किल से 7,500 रुपये का, वहाँ 13,000 का हमारा वो था, हमने उनके हाथ पैर जोड़ जाड़ के सब कुछ बेच बाच के अपना वहाँ से हम अपनी बहन को ले गए। अब यहाँ हमारा भांजा था यहाँ पर भर्ती, तो डॉक्टर साहब के फ़ोन आ रहे थे कि तुम बच्चे को देखने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। अब हम अपने सारे रिश्तेदारों में जहाँ जहाँ हमारे थे अपने सब में घूम घाम के मैं आया, तो हमसे पैसों का जुगाड़ हो नहीं पाया। फिर मैं आया डॉक्टर साहब के, मैंने हाथ पैर जोड़े, सारी बात उन्हें बताई पूरी, जो मेरी स्थिति है मैंने उनको साफ साफ बता दिया, उनसे मैंने कुछ नहीं छुपाया। बड़ी बामुश्किल से मैं 31,000 रुपये में 4,500 रुपये बड़ी बामुश्किल से डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ के मैंने जमा किया।